दोस्तों आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है उन्होंने रिसेंटली ही इनफ्लक्स के कस्टमर सपोर्ट एजेंट प्रोफाइल के सारे इंटरव्यू के राउंड्स उन्होंने करेक्ट कर दिए हैं। तो गाइस आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि इनफ्लक्स में मतलब कैसा इंटरव्यू प्रोसेस होता है, कैसे इसको क्रैक करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो गाइस आज की वीडियो में हम उनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों इस इंटरव्यू को, कोई भी पार्ट मिस मत करना। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस की वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए चैनल पे लेके आता रहता हूँ। सो अब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंटरव्यू के ऊपर चलते हैं। सो यस गाइस, टुडे वी हैव राजेश विद अस, जिनको कि हमने लास्ट टाइम भी इनवाइट किया था अमेज़न के इंटरव्यू के लिए। तो अभी राजेश का जो है रिसेंटली इन्होंने इनफ्लक्स के भी सारे इंटरव्यूज इनके हो चुके हैं, इन्होंने इनफ्लक्स का इंटरव्यू एक्सपीरियंस इन्होंने लिया है स्पेसिफिकली फॉर कस्टमर सर्विस एजेंट की प्रोफाइल के लिए। तो आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी कि इनफ्लक्स के इंटरव्यू के ऊपर भी आप कुछ लिखे इंटरव्यू एक्सपीरियंस का वीडियो। सो राजेश, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगेन आपका थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी आकाश। तो राजेश, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है, ये इनफ्लक्स जो कंपनी है मतलब किस टाइप की कंपनी है, और ये जो प्रोफाइल है एज अ कस्टमर सपोर्ट एजेंट, क्या यहाँ पे अपने को काम करना रहता है? जी बिल्कुल, इनफ्लक्स में जो आपका मैंने जो अप्लाई किया था वो है CSA, कस्टमर सपोर्ट एजेंट एंड वॉइस एजेंट। तो इसमें आपका डे टू डे टास्क है वही कस्टमर सपोर्ट रिलेटेड, आपको ट्रेनिंग किया दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। सी बेसिकली इसमें से ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ कि इनफ्लक्स के बारे में। इनफ्लक्स एक कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइडिंग कंपनी है, जो मान लीजिए कि नेटफ्लिक्स हुई या फिर अमेजोन हुई या फिर कोई भी बड़ी कंपनीज हुई, कुछ भी, वो इनफ्लक्स को हायर करती है कि मेरे जो पेंडिंग जो क्वायरीज हैं या फिर मेरे जो पेंडिंग क्वायरीज या फिर क्वेश्चन, उसको टोकन्स बोलते हैं, जितने भी पेंडिंग टोकन्स हैं वो क्लियर करने। ठीक है, okay. तो मान लीजिए आप अगर आप इनफ्लक्स ज्वाइन करते हो तो आकाश भाई, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो इसमें मान लीजिए अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको एज अ इनफ्लक्स एम्प्लॉय आप ज्वाइन करोगे, फिर आपका एक कंपनी मान लीजिए कोका कोला हुआ या फिर कोई भी कंपनी, ये इनफ्लक्स आपको भेजेगी, मतलब रेफर करेगी, उसके उस कंपनी से आपको ट्रेनिंग मिलेगी अबाउट देयर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस एंड एवरीथिंग पॉलिसीज, फिर उसके वॉइस या फिर कस्टमर एजेंट के हिसाब से आप काम करोगे। ठीक है। मतलब जो है इनफ्लक्स का कोलैबोरेशन अलग अलग ब्रांड्स के साथ, कॉमन ब्रांड्स के लिए वर्क करना होता है। जी। ठीक है, फाइन। हाँ बोलो, बिल्कुल राजेश बोलो। हाँ, तो फिर यही चीज होता है, तो आप जब तो यही चीज आपको, आप इसी चीज के लिए अप्लाई करते हो कि ताकि आप इनफ्लक्स के एजेंट बन सको और फिर वो आपको हायर करने के बाद आपको कोई भी कंपनी में आपको भेज सकते हैं। ठीक है, फाइन, डन। और आई गेस है तो शायद ये वर्क फ्रॉम होम ही है ना मेरे ख्याल से? बिल्कुल बिल्कुल, ये वर्क फ्रॉम होम ही है, आपको सारी ट्रेनिंग, आपको सब कुछ, अगर अलग कंपनी जहां भी आप जो भी करोगे आप घर बैठ के करोगे। ठीक है, डन। तो अब यहाँ पे चलता हूँ मैं सबसे मेन पार्ट की तरफ, दैट इज इंटरव्यू प्रोसेस। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यहाँ पे है, इनफ्लक्स में इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स होते हैं टोटल? जी बिल्कुल, इनफ्लक्स के टोटल आप अगर सब कुछ मिलाओ तो 3 राउंड्स होते हैं, और एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद टेस्ट होती है, वो इंटरव्यू नहीं बोल सकते उसको, वो आप उसमें वो आपको काम सिखाते हैं, काम सिखाने के बाद एक टेस्ट लेते हैं, उस टेस्ट में अगर आप पास करते हो उसके बाद वो हायर करते हैं। ठीक है, तो मतलब टेस्ट से पहले टोटल इंटरव्यू के 3 राउंड्स हैं, सारे क्लियर करने के बाद आपका ट्रेनिंग है एक हफ्ते का, उसके बाद फिर एक टेस्ट है, और उसके बाद फिर फाइनल ज्वाइनिंग होती है। जी ठीक है, शानदार। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा यहाँ पे, जैसे ये जितने भी इंटरव्यू के स्टेप्स हैं टोटल, क्या कहीं पे ऐसा होता है कि हमारा जो कन्वर्सेशन है वो हिंदी में हो या सारा प्रॉपर इंग्लिश में ही चलता है? नहीं, क्योंकि ये आपके कम्प्लीटली, ये बाहर की कंपनी है, इसमें आपको कोई गारंटी नहीं है कि आपको ज्वाइन करने के बाद कौन से कंपनी, कौन से नेशनलिटी, कौन से रीजन में मिलेगा, ये कम्प्लीटली इंग्लिश बेस्ड है, तो यू हैव टू बी वेरी गुड इन इंग्लिश इफ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब। फाइन, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, सबसे पहले तो आपने जैसे बताया कि इंटरव्यू के टोटल 3 राउंड्स है, तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ पहले राउंड के बारे में बताओ कि पहला राउंड किस टाइप का राउंड है और इसमें क्या क्या क्वेश्चन सबसे पूछे गए थे। जी, पहला राउंड आपका कम्प्लीटली एक टेस्ट राउंड है, रिटन टेस्ट राउंड है,
जिसमें आपने अप्लाई करने के बाद आपका रिज्यूमे, शायद वो मुझे ये नहीं पता पाऊँगा कि सबको आता है कि नहीं, लेकिन मुझे आया था वो, तो उसमें लिखते हैं कि योर रिज्यूमे हैव बीन सिलेक्टेड एंड काइंडली आंसर द क्वेश्चंस बिलो टू मूव फॉरवर्ड. ठीक है, तो उसमें आपके है? उसमें आपके चार क्वेश्चंस रहते हैं जो चारों के चारों कस्टमर ईमेल सपोर्ट. ठीक है, आप यूट्यूब कर सकते हैं, वो काफ़ी इजी क्वेश्चंस रहते हैं. जैसे मान लीजिए कि कुछ वो रैंडम एक सिनारियो बनाते हैं कि यू आर अ कस्टमर सपोर्ट ऑफ दिस कंपनी और आपको एक ऐसी क्वायरी मिली, तो आप उसका कैसे आंसर करोगे, जिसको आपको ईमेल फॉर्मेट में आपको करना पड़ता है. आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे, मैंने भी यूट्यूब में से देख के ही किया था कि कैसे ईमेल सपोर्ट होता है, क्या उसका बॉडी रहती है, क्या उसका करना पड़ता है. तो वो होता है आपका पहला राउंड. तो आप चारों क्वेश्चन आंसर करने के बाद आप वो सबमिट करते हो, तो उसके विद इन आफ्टर लाइक 3 डेज मुझे सेकेंड ईमेल आ गया था एक एचआर से, जिन्होंने मुझे बोला था कि व्हेन आई विल बी कंफर्टेबल फॉर द नेक्स्ट राउंड, जो कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है. तो मतलब ये सेकंड राउंड जो आपने बताया पर्सनल इंटरव्यू, ये तो आई गेस वीडियो बेस्ड होता होगा. जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि वो आपका आप उनको एक अपने हिसाब से डेट एंड टाइम आपको सिलेक्ट करना पड़ता है गूगल कैलेंडर पे, फिर आपको वो रिप्लाई करना पड़ता है. तो फिर उसी डेट एंड टाइम पे आपका वो जो इंटरव्यू है वो फिक्स्ड रह जाता है, जो गूगल मीट पे होता है और आपको कैमरा ऑन करके उनके एचआर के साथ आपको बात करनी पड़ती है और उनके एचआर आपका इंटरव्यू लेते हैं. ये हो गया सेकंड राउंड. सेकंड राउंड में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, आप बता सकते हैं थोड़ा डिटेल में? बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल. सेकंड राउंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली जो मेन फोकस करते हैं वो देखते हैं कि हाउ मच फ्लुएंट यू आर इन इंग्लिश, हाउ मच टाइम यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, हाउ फ्लुएंटली कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, और आपका टोन क्या रहता है. ठीक है, आप किस टोन में बात कर रहे हो, आप कितने कॉर्चियस हो, आप कितने कामली बात कर रहे हो, आप फंबल कर रहे हो कि नहीं. क्वेश्चंस नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं कि आपने नॉर्मल जो बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं कि आपने क्वालिफिकेशन क्या की, आपके हॉबीज क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, आप अपने वीकनेसेस कैसे सुधार पाओगे, आप अपने वीकनेसेस को क्यों वीकनेस बोल रहे हो, आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वो क्या किया है. नॉर्मल इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं वो, लेकिन मैंने जितना ये फील किया है और अज्यूम किया है कि ये बेसिकली ये जो राउंड है ये पूरा 1 घंटे का चलता है. ठीक है, ओके 1 घंटा. हाँ जी, ये पूरा 1 घंटे का चलता है और ये 1 घंटे में जो भी आपको एचआर फोन कर आपसे बात कर रहे हैं वो बहुत पेशेंटली आपसे बात करती हैं. लाइक ऐसा एकदम नहीं रहेगा कि वो हरी में हैं या जो भी हैं, वो बहुत पेशेंटली आप बात करते हैं. और मुझे लगता है कि अगर आप उनके वही खुद से सवाल करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एक टॉपिक के ऊपर बोलते ही जाना है, वो खुद से ही सवाल करते हैं. तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप हर एक सवाल का ऑनेस्ट आंसर दोगे थोड़ा लंबा करके या फिर थोड़ा डिस्क्राइब करके, तो आपका वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, और कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस आप बता सकते हो, जो और कुछ क्वेश्चंस जो आपसे यहाँ पे पूछे गए, कुछ तो आपने बता दिया, कोई और क्वेश्चंस? जी जी जी, मुझे पूछा गया था अबाउट माईसेल्फ, मेरे स्ट्रेंथ, मेरे वीकनेसेस, और मैं अपने वीकनेस को कैसे ओवरकम कर सकता हूँ, और मेरे हॉबीज क्या हैं, और मेरे घर में फैमिली के बारे में, और थोड़ा सा मेरे मैंने जो BSc किया है वो BSc के प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए हैं, फील्ड प्रोजेक्ट्स बोलिए या फिर आपके मैंने जो रिटर्न प्रोजेक्ट्स किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करने बोला था. सुपर फाइन, डन. तो जैसे ये राउंड जब आपका फिनिश हो गया राजेश, तो इसके बाद आपने बताया 1 राउंड आपका और हुआ था जी. तो मतलब सेकंड राउंड के बाद आप फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए तीसरे राउंड के लिए, ये आपको कब और कैसे पता लगा? जी, जब आप सेकंड राउंड जब आप देते हो तो ही आपको HR थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं अबाउट द जॉब रोल एंड एवरीथिंग. ठीक है, ठीक है. तो ये जॉब रोल एंड एवरीथिंग डिफाइन करने के बाद वो आपको बोलते हैं कि मेरा नाम राजेश है, तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि राजेश वी विल कैरी ऑन विद द इंटरव्यू एंड इफ यू आर सिलेक्टेड वी विल कॉन्टैक्ट यू. ठीक है, तो मुझे सेकेंड राउंड के बाद 3rd राउंड का सिलेक्शन का ईमेल आया था विद इन टू डेज. या और वही सेम प्रोसीजर होता है, उसमें भी आपको गूगल कैलेंडर में अपना एक डिजायर टाइम एंड डेट इनपुट करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यू इन गूगल मीट विद HR.
ठीक है ठीक है, तो मतलब ये जो तीसरा राउंड है ये भी गूगल मीट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही होता है जी। ठीक है ठीक है ठीक है। अब राजेश आप इसके बारे में भी बता दो, ये फाइनल राउंड जो अपना, इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, ये दूसरे राउंड से कैसे डिफरेंट था? जी सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है कि ये राउंड बहुत छोटा है, ठीक है। ओके। ये इट विल बी ओनली अराउंड 25 to 20 मिनट्स, ठीक है। सेकेंड है कि कुछ कुछ क्वेश्चन लाइक 60% क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, ठीक है ठीक है, लेकिन बाकी जो 40% क्वेश्चन है वो हो जाते हैं थोड़े कस्टमर सपोर्ट सेंट्रिक क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि अगर आपको किसी एंग्री कस्टमर ने फोन किया तो आप कैसे डील करोगे, एक कस्टमर सर्विस एजेंट के पास कौन से क्वालिटीज हैं जो वो डेफिनेटली उसके पास होने चाहिए, कौन से क्वालिटीज नहीं होने चाहिए, एक अच्छा कस्टमर एजेंट कस्टमर सर्विस एजेंट कैसे अपने करियर में ग्रो कर सकता है, कितने अच्छे टीम लीडर आप हो, आपने इससे पहले कभी टीम में काम किया है तो कुछ अचीव किया है या फिर आपका उस टीम में कितना सा योगदान रहा है, थोड़े से थोड़े से नॉलेजेबल क्वेश्चंस होते हैं इसमें, जो मेरे ख्याल से मैंने भी यूट्यूब देखकर ही जाना था। आप यूट्यूब देखकर आप सीख सकते हो कि कस्टमर सर्विस के बारे में। ठीक है ठीक है, तो मतलब ये बेसिक क्वेश्चन वो कस्टमर सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चंस वो यहाँ पे ज़्यादा पूछते हैं आपसे। जी जी जी। तो उसके बाद जब आपका ये फाइनल राउंड भी फिनिश हो गया तो फिर आपको मतलब कब तक पता लगा कि भाई सारे राउंड अपने फिनिश हो चुके, सिलेक्शन हो गया? जी जब आप ये सेकेंड राउंड दोगे तो ही आपको वो ब्रीफ कर देंगे कि अगर आप सिलेक्टेड होते हो तो आपको हम एक अप्रेंटिस प्रोग्राम होता है वहाँ पे, जहाँ पे आपका आपको वो बोलते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हम लोग आपको अप्रेंटिस प्रोग्राम में आपको भेज देंगे। उससे पहले आपको साइन करना पड़ेगा थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो भेज देते हैं कि यू आर सिलेक्टेड इन अप्रेंटिस और मैं अपना कंसेंट देता हूँ कि हाँ मैं अप्रेंटिस प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता हूँ। इसका भी ईमेल वही एक दो दिन के अंदर आ जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मतलब इस तरीके से अपने तीन स्टेप पूरे हो गए। अब फोर्थ स्टेप सबसे लास्ट स्टेप आता है जो कि आपने बताया अप्रेंटिस प्रोग्राम, जिसके बाद एक टेस्ट होता है। तो अब मैं चाहता हूँ आपने इसके बारे में भी आप थोड़ा डिटेल में बता दो, क्या चीज़ है यहाँ पे, क्या कुछ करना होता है, कैसा वो टेस्ट है, कैसे इसको क्रैक करना है, क्या कुछ होता है इसके अंदर? जी अप्रेंटिस टेस्ट जो है, अप्रेंटिस जो प्रोग्राम है, ये कम्प्लीटली मतलब आपके जो फेलो पार्टनर्स हैं या फिर अप्रेंटिसेस हैं उनके साथ करना पड़ता है। ये मेनली इनका एक हफ्ते का पूरा होता है और ये मेनली मंडे से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके। और इसमें आपको तीन लेवल्स होते हैं, ठीक है। इसमें पहला लेवल में आपको ईमेल करना सिखाते हैं वो, कि ईमेल के आंसर्स कैसे होने चाहिए, ईमेल्स कैसे होने चाहिए। बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छा वर्क कल्चर है, एकदम ऐसा वो महसूस नहीं करवाएंगे कि आपने कुछ बहुत प्रोफेशनल जगह पे आप आ गए हो या फिर आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। आप कैजुअली टी शर्ट पहन के आराम से घर बैठ के बस आपको वीडियो कॉल, मतलब वो फोर्स नहीं करते लेकिन वो बोलते हैं कि इट विल बी अ गुड इम्प्रेशन इफ़ यू कीप योर कैमरा ऑन, ठीक है। आपको आराम से घर बैठ के कर सकते हो। ये नॉर्मली इंडियन टाइम पे ये 8:30 बजे सुबह शुरू होता था और विद इन 1:30 to 2 PM ख़त्म हो जाता था, जिसके बीच में दो या तीन ब्रेक्स होते थे, डिपेंड करता है कि आप कितने फास्ट उनके टास्क करते हो, ठीक है। तो ये पहला आपका हो गया ईमेल, सेकेंड आपका हो गया वॉइस, ठीक है। ओके। आपको वो एक ट्रेनर असाइन करेंगे जिसके साथ आप गूगल मीट पे ना आप जैसे नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है, एक कस्टमर का और एक कंपनी वॉइस एजेंट का, वो आपको सिखाते हैं, ठीक है, कि आपको क्या बोलना चाहिए, आपको कितने स्पीड में बोलना चाहिए। वो पहले आप एक केस देते हैं, वो केस के ऊपर वो क्वेश्चंस करते हैं, एक प्रॉपर रोल प्ले बोलते हैं उसे, वो एक प्रॉपर रोल प्ले होता है। वो रोल प्ले के बाद फिर वो ट्रेनर आपको फीडबैक देते हैं कि आपका यहाँ यहाँ गलती हुई है, आपका यहाँ यहाँ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ज़रूरी है, आपने थोड़ा यहाँ पे फंबल किया, आप इस आंसर के बजाय इस आंसर को बोलिए, ठीक है। तो ये आपका आपका होता है। और थर्ड होता है आपका Zendesk, ठीक है। Zendesk एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जहाँ पे टोकन्स सॉल्व की जाता है कस्टमर रिलेटेड क्वेरी। एक प्रॉपर एक टेक्निकल ट्रेनिंग होगा ये, तो ये सबसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा आप ध्यान दे के करना अगर आप ये अप्रेंटिस में। ये आपको ये सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर कस्टमर का क्वेश्चन कैसे आता है, आप कस्टमर को कैसे रिप्लाई करोगे, ये आपका ये होता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर आपको सिखाते हैं।
और जो एकदम फाइनल है वो इन सब का टेस्ट होता है एकदम फ्राइडे को। आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये 4 दिनों में ये सब चीज़ें हुई और फ्राइडे को आपको टेस्ट देना पड़ता है ठीक कि है। आपने पूरा क्या सीखा। लेकिन उन्होंने जितना बताया जितना मैंने जाना है कि वो टेस्ट ही सब कुछ नहीं है। आप पूरा वीक कितने एक्टिव हो, आप पूरा वीक कितना अटेंटिव हो, कितना आप समझ रहे हो, कितना आप आंसर कर रहे हो, उसको पूरा एक होलिस्टिक जजमेंट होता है। लेकिन हाँ ऑब्वियसली टेस्ट भी आपको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब टेस्ट में फिर जो कुछ हमने सीखा उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होते हैं या किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? नहीं नहीं, इसमें कोई क्वेश्चन टाइप कुछ नहीं होता, इसमें कम्प्लीटली ये कस्टमर रिलेटेड है। तो इसमें आपको जो भी करना है वो आपको आइदर आप दो सपोर्ट में आप ज्वाइन करोगे, आइदर आप मेल सपोर्ट में ज्वाइन करोगे या फिर वॉइस सपोर्ट में ज्वाइन करोगे। ठीक है right. तो आप अगर मेल सपोर्ट में ज्वाइन करोगे तो आपको कुछ भी, अगर आपका कस्टमर पूछता है कि मेरा डिलीवरी कब होगा, ठीक है, तो आपको पूरा मेल लिख के बताना है कि हाँ आपका डिलीवरी कब होगा। ठीक है, और वो आप वो मेल में आप कौन से वर्ड्स कैसे किस टोन में कितने पंक्चुएशंस के साथ, ठीक है, कितने डिटेल्स में और कितना जल्दी आप वो मेल लिख के वो रिप्लाई बैक कर रहे हो कस्टमर को, तो उसी के ऊपर ही टेस्ट होता है। तो ये कम्प्लीटली आपका, मैं बोलता हूँ अगर एक टिप्स मुझसे चाहो तो मैं ये बोलूँगा कि आप डेफिनेटली अगर इन्फ्लक्स का आपका अप्रेंटिस का अगर वो आप जाना चाहते हैं या फिर इन्फ्लक्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली घर में बैठ के कम दिन में 5 to 15 मिनट्स आप अपना टाइपिंग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये कम्प्लीटली आपके हाथों के स्पीड के ऊपर है। राइट ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस मतलब ये तो राजेश आपने बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा एक क्वेश्चन मेरा हो रहा है राजेश, मतलब मुझे याद है कि जब मैंने इन्फ्लक्स का जॉब अपडेट दिया था, मैंने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था, तो वहाँ पे मैंने एक चीज देखा था, जब हम इन्फ्लक्स में रजिस्ट्रेशन करते हैं ना उस टाइम पे हमको एक अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके वहाँ पे अपलोड करना होता है, तो वहाँ पे शायद कुछ क्वेश्चन होता है कि इन्फ्लक्स के बारे में बताओ या कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होता है वहाँ पे, जिसको कि हमने इंग्लिश अपनी ऑडियो में रिकॉर्ड करके वहाँ पे भेजना होता है, तो उसमें हमको किस तरीके से बोलना चाहिए, मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दो। बिल्कुल, देखिए आकाश भाई मुझे क्वेश्चन तो अभी प्रॉपरली याद नहीं है तो, लेकिन अगर कोई डिटेल्स में आना चाहता है तो वो मुझे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे पर्सनल या कुछ भी आप प्रोवाइड कर सकते हो तो। हाँ, मैं आपका इंस्टा आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन जी, आप बिल्कुल मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा कि आप जो भी बोले, अगर आप थोड़ा सा गलत भी इंग्लिश बोल रहे हो या फिर कुछ भी बोल रहे हो, आप प्लीज कॉन्फिडेंट होके बोलिए। आपका टोन से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको जो आंसर्स वो पूछ रहे हैं या फिर जो वो चाहते हैं वो आपको नहीं पता। अगर आप गलत भी जवाब दे रहे हो, अगर आपको मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा गया कि कस्टमर सपोर्ट के लिए आपको क्या नॉलेज चाहिए, अगर आपने कुछ बैकग्राउंड नॉलेज के बारे में नहीं भी पढ़ा है ना, तो आई थिंक आप अगर कॉन्फिडेंटली ये भी बोलो कि मैम आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस आंसर राइट नाउ, तो वो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन मैं बस इतना ही आपको बोलूँगा कि आप लोग जो भी अप्लाई कर रहे हो बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि ये कम्प्लीटली एक इंग्लिश प्रोफाइल वाली जॉब है, तो आप जितना कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकते हो या फिर कॉन्फिडेंटली विदाउट मिस्टेक ग्रामेटिकल मिस्टेक इंग्लिश लिख सकते हो तो उतना बढ़िया, उतना ज़्यादा चांसेस है यू विल एस इट। सुपर सुपर डन। सो राजेश मेरी तरफ से क्वेश्चंस खत्म है सारे, बहुत ही अच्छे से आपने एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से एलैबोरेट किया। डेफिनेटली यहाँ तक अगर कोई पर्सन इस वीडियो को देख रहा है तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी इन्फ्लक्स के इंटरव्यू के लिए। और मैं लास्ट में बस अब आपको कहना चाहूँगा, आपको ये ऑडियंस को लास्ट में मैसेज देना चाहते हैं, कोई बात बोलना चाहते हैं तो यू कैन स्पीक। जी मैं बस एक ही बात बताऊँगा कि मैंने जितना ये पूरा इंटरव्यू और प्रोसेस एक्सपीरियंस किया है, मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत ही फ्रेंडली थे और बहुत ही अच्छे से उन्होंने हर चीज़ समझाया। ऑल दो कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं और वो एक पूरा का पूरा नया एप्लीकेशन बोल सकते हैं वो यूज़ करना सिखा रहे हैं आपको, लेकिन फिर भी आप कितने भी क्वेश्चंस पूछो वो बहुत ही कूल थे। तो मैं बोलूँगा कि अगर आप चाहते हो कि कस्टमर सर्विस में अपना करियर बनाना तो आप डेफिनेटली इन्फ्लक्स में ट्राई कीजिए, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है बहुत अच्छी कंपनी है विथ वेरी गुड पे स्केल। सुपर डन डन डन। सो वंस अगेन मैं राजेश आपका थैंक यू कहता हूँ, लाइक आपने बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, इतने लोगों की बहुत लोगों की हेल्प होगी इसे, एंड वंस अगेन थैंक यू एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।
तो दोस्तों ये थे अपने साथ राजेश, जिन्होंने इनफ्लक्स के जो है इंटरव्यू राउंड सारे इन्होंने करे किए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी स्टिल गाइस कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसी न्यू वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेज, गुड लक, जय हिंद।